मिश्री मच्छर गंगोत्री इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 9 की छात्रा हूँ। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ होता है दाता या प्रदान करने वाली। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आशंकाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और माता के चार हाथ हैं। इनके चारों हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण किया हुआ है। माता का वाहन सिंह है और माता अज्ञानता दूर करती है। पुराणों के अनुसार सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से असीमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, इसित्व, विसित्व और प्रकाम्य 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती है और आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष आदि से छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि में जब अंधकार छा गया था तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो सिद्धिदात्री माता के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और उन्हें दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को समझने के लिए अपनी भूमिकाओं को निभाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर किनारे बैठ गए और कई वर्षों की तपस्या के बाद माँ देवी ने उन्हें सिद्धिदात्री के रूप में दर्शन दिए और फिर उन तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियाँ दी और फिर सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की पालन संहार का कार्य संचालित हुआ। आभार।